फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में आज हम अपने बात करेंगे जो ईसी स्टीट पोर्टगाल का आज के दिन का यहाँ पर चौथा मैच होगा जो खेला जाएगा गेम्बलर्स सी सी वर्सेज़ फ्रेंडसिप सी सी के बीच में तो इस मैच की मैं आपको डेप्थ एनालिसिस करके दूंगा बस आपको ये वीडियो अंत तक वॉच करना है सबसे पहले भाइयों अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को जो नहीं किया है तो कर लीजिए क्योंकि वहीं पर आपको फाइनल टीम न्यू प्लेयर्स के स्टार्ट और ऑफिशियल बैटिंग ऑर्डर मिलेगा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में भी आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है टॉप पर पिन किया हुआ मिल जाएगा एक चीज़ आपको पहले दो तीन मैच देख के समझ में आ गई होगी कि ये जो सीरीज है देखो स्मॉल लीग के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको एक चीज़ अगर यहाँ पर बताऊँ तो आपने देखो पहला मैच में ना आसिम सरवार ने एक भी बॉल नहीं डाली थी जबकि उसकी टीम हारने वाली थी फिर भी उसने एक ओवर नहीं करवाया दूसरे मैच में उसी बंदे ने बैटिंग भी की साथ के साथ दो ओवर डाल के दो विकेट भी लिए थे दूसरा जो एग्जाम्पल है अभी जो मैच चल रहा है उसमें आपने देखा होगा एम मचाडो जब इनका पहला मैच चल रहा था उसमें आपने देखा होगा इनकी टीम हारी थी क्यों हारी थी क्योंकि एम मचाड़ो का जो स्ट्राइक रेट था वो पहले सौ से भी नीचे था पहली बीस बॉल में लेकिन अभी आपने देखा होगा हर बॉल में ये बंदा सिक्स मार रहा है तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं इसलिए आपको स्मॉल लीग ये सीरीज में नहीं खेलनी है अगर आपको खेलनी है तो सिर्फ ग्रैंड लीग खेलनी है तो बात कर लेते हैं इस मैच के बारे में सात बजे मैच स्टार्ट होगा सेम ग्राउंड पर मैच है आर्टिफिशियल विकेट है एवरेज स्कोर अस्सी से एक सौ बीस बनता है फ्रेंडशिप सी की टीम अपना पहला मुकाबला हार गई थी ओपन किया था मोहम्मद असदुलजुमान और अशरफुल रूपू दोनों अच्छे प्लेयर हैं मोहम्मद असदुलजुमान छः रन किए थे दो ओवर डाले थे हालांकि विकेट ले रहा लेकिन इंपॉर्टेंट प्लेयर है दो में आठ टी टेन में एक रन है और साथ के साथ पाँच विकेट भी हैं पंद्रह ओवर डाल के रूपू सबसे अच्छी पारी खेली थी चौंतीस रन की 2022 में 14 मैच में 217 सौ सत्रह इक्कीस का एवरेज एक विकेट है विकेट कीपिंग के भी आपको पॉइंट देगा मोहम्मद नजरुल इस्लाम इसने बनाए उन्नीस ही रन थे लेकिन बहुत अच्छी हिटिंग की थी ओवरऑल टी टेन में बारह मैच में दो सौ सैंतालीस रन तीस का एवरेज है मोहम्मद अब्दुल मोटिन अब हो सकता है कि भले ही इसने पहले मैच में बॉलिंग नहीं करवाई ना एक ही रन किया है लेकिन आज ये हो सकता है इस मैच में बॉलिंग करवा दे तो ये बंदा आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए बन सकता है क्योंकि तो यही चीज़ आसिम सरवार के साथ में हुई थी सात मैच में छियासी रन सात विकेट है दो हज़ार बाईस में नईम रहमान पहले मैच में तीन रन जीरो विकेट है दो ओवर डाल के ये दो ओवर डालने वाला ही बॉलर है टी टेन में इससे पहले भी चार मैच में दो विकेट है आठ ओवर डाल के इम्तियाज राणा बैटिंग इसने नीचे की थी नंबर छः के करीब आया था लेकिन अच्छा प्लेयर है बैटिंग बॉलिंग दोनों चीज़ें कर सकता है छः नोट आउट दो विकेट था पहले में दो में पंद्रह मैच में एक रन ग्यारह विकेट है यहाँ पर रियासत सौरभ जो कि आपको मिलेगा विकेट कीपिंग सेक्शन में लेकिन पहले मैच में इसने बैटिंग बॉलिंग दोनों की थी पंद्रह रन दो विकेट थे मोहम्मद अलामीन बैटिंग बॉलिंग कुछ नहीं मिली थी ग्यारह मैच में इकतीस है शब्बीर अहमद एक ओवर डाला उसमें बहुत रन चले गए थे डोमेस्टिक टी में तीन पाँच मैच में बत्तीस रन तीन विकेट हैं सज्जाद रोबिन बैटिंग बॉलिंग नहीं मिली थी मोहम्मद इनामुल समीम इन्होंने एक ओवर डाला था जिसमें ये विकेट लैस थे और ग्यारह टी टेन में से पहले जीरो विकेट है तो यहाँ से जो मेरे को इम्पोर्टेंट प्लेयर लग रहे हैं वो हैं मोहम्मद असद जमान अशरफुलरूपू एम डी इस्लाम एम यहाँ से नईम रहमान इम्तियाज़ राणा और रियासत सौरव बाकी बेंच पर जो भी प्लेयर्स हैं इनमें से कोई भी खेले उसके स्टार्ट मिल जाएंगे स्टार्टिंग के ओवर डालेंगे नईम रहमान इम्तियाज राणा एम असद जमान डेथ के ओवर डालेंगे इम्तियाज राणा एम असद ज़मान और यहाँ से एस अहमद दूसरी जो टीम है गैम्बलर सीसी की टीम अब देखो इनकी टीम का अभी मुकाबला चल रहा है और उससे अपन को बैटिंग ऑर्डर इनका और कंफर्म हो जाएगा मेरे हिसाब से कुलदीप गोलिया और अमनदीप खोकर ही ओपन करने चाहिए कुलदीप गोलिया के नाम 2022 में 21 टी में तीन रन 21 का एवरेज है बढ़िया प्लेयर है विकेट कीपिंग के भी पॉइंट सात के साथ देता है अमनदीप खोकर के नाम दो में बाईस मैच में तीन सौ का एवरेज है तो अंकुश कुमार इनका सबसे बढ़िया ऑलराउंडर है जिसके नाम उन्नीस टी में तीन सौ बत्तीस रन छब्बीस विकेट है प्लेयर बहुत शानदार है बस देखना होगा ये लोग यहाँ पर अगर कोई मतलब होता नहीं है तो बहुत अच्छा कर सकता है ये जितेश कुमार बालकृष्णा उतना खास प्लेयर नहीं है दो में इक्कीस मैच में एक रन दो विकेट है रंजीत नारायण के नाम 2022 में 14 मैच में 122 रन और चार ही विकेट है क्योंकि 14 मैच में सिर्फ नौ ओवर मिले थे बॉलिंग इसको कम मिली थी 2022 के अंदर नितिन कंबोज ये दो ओवर डालना चाहिए 21 मैच में 145 रन 15 विकेट इसके नाम है अड़तीस ओवर डाल के मयंक डारजी पहला मैच खेल रहे हैं लेकिन बैटिंग ऑर्डर देखना होगा कहाँ पर रहता है इससे पहले चार टी में साठ रन पंद्रह का एवरेज है जयप्रकाश अच्छा बॉलर है तेरह मैच में चौदह विकेट है पहला जो मैच हुआ था उसमें एक विकेट ले चुका है अब तक सैयदुर रहमान के नाम दो में तेरह मैच में पाँच विकेट है सोलह ओवर के। खान के नाम ओवरऑल मैच में दो विकेट है श्रीपाल माट्टा के नाम ग्यारह मैच में तीन विकेट है आठ ओवर डाल के और पहले मैच में इन्होंने एक ओवर डाला था उसमें बहुत रन दे दिए थे अभी के लिए आप यहाँ से रख सकते हो कुलदीप घोलिया अंकुश कुमार यहाँ से नितिन कंबोज्रकाश और इनके अलावा श्रीपाल माटा को भी आप रख सकते हो बाकी बेंच पर जो भी प्लेयर्स हैं इनमें से अगर किसी को चांस मिलता है सेकेंड मैच में तो उसके स्टार्ट आपको मिल जाएंगे तो एनालिसिस वाला पार्ट हो चुका है कंप्लीट चलते हैं डेमो टीम की तरफ लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए चलते हैं यहाँ पर डेमो टीम की तरफ डेमो टीम की बात करते हैं यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन है से मैंने अभी के लिए कुलदीप घोलिया रियासत सौरव को रखा है और बैटिंग सेक्शन से एम असद जमान ए रूपू एन इस्लाम को रखाएं ऑलराउंडर सेक्शन से इम्तियाज़ राणा एन कम्बोज अंकुश कुमार को रखाएँ और बॉलिंग सेक्शन से जे प्रकाश श्रीपाल माटा एन रहमान को रखा है कैप्टन अंकुश कुमार वाइस कैप्टन इम्तियाज़ राणा है लेकिन ये फाइनल टीम नहीं है फाइनल टीम जो भी होगी टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में मिल जाएगा वहाँ पर आपको न्यू प्लेस के स्टार्ट भी मिल जाएंगे तो थैंक यू भाई अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना